भाइयों, अगर आप भी वुड वर्किंग के प्रॉफिटेबल बिजनेस को करने का प्लान बना रहे हैं तो ये कुछ वुड वर्किंग बिजनेस आइडियाज आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है तो आप प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। इस बिजनेस की डिमांड आजकल इतनी ज़्यादा है क्योंकि प्लाईवुड का यूज़ हर जगह होके चल रहा है, चाहे आप घर बना लीजिए चाहे आप जहाज बना लीजिए। कारण है ये वजन में हल्का होता है और मजबूती में भी ज़बरदस्त होता है। उसके अलावा ये लोगों को किफ़ायती भी पड़ता है। इसी वजह से प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल बिजनेस है। वुडन फर्नीचर मेकिंग के बिजनेस को आप कम इन्वेस्टमेंट से लेकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जैसा पैसा हो आपके पास, आप शुरू कर पाएंगे। ये तो एक पारंपरिक उद्योग मान लो आप। इसमें भी अब नए नए ट्रेंड्स आने लगे हैं और भी कई तरह के फर्नीचर्स का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाए आप इस बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। वुडन इंटीरियर का बिजनेस आज के समय में बहुत तेजी से फल फूल रहा है। अब तक तो ये बिजनेस वहाँ पर ही ज़्यादा चल रहा था जो भाई ठंडे प्रदेश हैं या पहाड़ी इलाके हैं जहाँ लकड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता जा रहा है वो अपने घर का, अपने ऑफिसेस का वुडन इंटीरियर कराने में पीछे नहीं हटते। और इस वुडन इंटीरियर के पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है और इसको शौकीन लोग ही करा पाते हैं। वुडन पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आज के समय में ज़बरदस्त डिमांडेबल है क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उसको पेंसिल्स की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और कई सालों तक वो पेंसिल्स को यूज़ करता रहता है। इसी वजह से पेंसिल्स की डिमांड साल भर बनी रहती है। तो आप जितनी अच्छी डिज़ाइंस की, जितनी अलग अलग क्वालिटीज़ की पेंसिल बना पाएंगे आप उतना ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। इस बिजनेस को करने के लिए क्वालिटी मस्ट है। वुडन यूटिलिटी प्रोडक्ट मेकिंग का बिजनेस भी बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसके अंदर क्राइटेरिया भी बहुत बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है वो भी है, या फिर जिसके ऊपर पटले के ऊपर रखे रोटी बेली जाती है वो हो गया, चम्मच, कांटे, कटिंग बोर्ड, मग, ट्रे, कटोरे और भी कई सारे वुडन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी की डिमांड जबरदस्त तरीके से मार्केट में बनी ही रहती है। और तो और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद ऑनलाइन भी ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू बहुत आसानी से बहुत अच्छे रेट में सेल किया जा सकता है। लकड़ी के बने हुए डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स की डिमांड भी बेहतरीन रहती है। आप जहां पर भी देख कर चलते होंगे आपको लगता होगा कि भाई क्या यूनिक पीस देख लिया हमने, ये लकड़ी से बना हुआ और ये सालों साल चलते भी हैं। तो इस तरह के डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स को भी आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, फोटो फ्रेम्स बनवाए जा सकते हैं, लकड़ी के खिलौने बनवाए जा सकते हैं, यहाँ तक के लकड़ी की मूर्तियाँ, पेन रखने वाले स्टैंड्स हो गए, पॉट्स हो गए, ज्वेलरी के बॉक्सेस हो गए और भी सैकड़ों आइटम हैं जो डेकोरेशन से रिलेटेड बनाए जाते हैं। और इस बिजनेस में भी अच्छा खासा पैसा है। आजकल के समय में तो भाई लकड़ी की बनी हुई ज्वेलरीज की डिमांड फिर से आने लगी है। जैसे जैसे मॉडर्न आर्ट विकसित हो रही है लोग वुड की बनी हुई ज्वेलरी को भी प्रेफर कर रहे हैं। इसमें कई तरह के आइटम्स बनते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। इस फील्ड में भी आसानी से एंट्री की जा सकती है और अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है। अगर आपको वुडन के सामान बनाने की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप वुडन वर्किंग वर्कशॉप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहां से कि कोई भी कस्टमर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है और आप उसको उसके वुड आइटम से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। लोगों के पास जो वुड आइटम है उनमें कुछ रिपेयरिंग का काम हो गया या फिर उन्हें कुछ नया बनवाना है तो आप उन्हें सीधे सीधे डील कर पाएंगे, कस्टमाइज तरीके से काम कर पाएंगे और अच्छा खासा रिटर्न भी ले पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर ले पाते हैं या फिर आप किसी कस्टमर से ही कॉन्टैक्ट कर पाते हैं
जिसको कि जरूरत हो वुडन क्रेट्स की। आजकल के समय पे भी बहुत सारे सामान को लोग वुडन क्रेट्स में रखना प्रेफर करते हैं। कारण है कि पहले तो चीज़ सुरक्षित रहती है और दूसरा वुडन क्रेट्स मजबूत भी होती हैं। वुडन क्रेट्स को बनाकर सप्लाई कर सकते हैं और अच्छी बचत ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप खुद से वुड के कुछ आइटम्स बना के चल रहे हैं, या फिर आपके जानने में कुछ ऐसे लोग हैं जो वुड के बड़े ही यूनिक आइटम्स बना के चलते हैं, अब तो वुड और प्लस रेजिन के भी कई सारे अच्छे आइटम्स बन रहे हैं। इनकी डिमांड भाई बहुत ज़बरदस्त है और इनको बहुत आसानी से ई कॉमर्स साइट के थ्रू सेल भी किया जा सकता है। तो अगर आप वुड आइटम्स को ऑनलाइन सेल करने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल सही है, यहाँ से आपको अच्छे खरीदार भी मिलेंगे और आपको अच्छा रेट भी मिलेगा। लकड़ी के बने हुए स्पोर्ट्स आइटम की डिमांड तो शुरू से ही रही है, चाहे बैट सही या फिर हॉकी सही। तो अगर आपको इन चीज़ों की भी अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप वुडन से रिलेटेड स्पोर्ट्स वाले आइटम भी आसानी से बना पाएंगे। इसके अलावा वुडन के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। लकड़ी के बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड तो शुरू से ही रही है और इस बिजनेस में बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत महीन कारीगरी वाला काम है। लकड़ी के बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम आजकल बहुत ज़बरदस्त डिमांड में है और इंडिया तो छोड़ दो, विदेशों में तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप वुडन के हैंडीक्राफ्ट आइटम बना सकते हैं और उसको बेहद आसानी से चाहें तो इंडिया में सेल कीजिए, या फिर आप अगर मोटी बचत लेना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया में वुडन से रिलेटेड कौन सा आइटम बनाया जाता है जो जबरदस्त डिमांड में रहता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाइयों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए मेहनत और पैसा दोनों लगते हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस हलवा है, आप कटोरी में लोगे और तुरंत उसको चट कर जाओगे, तो ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि बिजनेस में सफल वही होता है जो भाई पैसा भी इन्वेस्ट करके चलता है, उसके अलावा मेहनत जबरदस्त तरीके से करके चलता है। तो आप जैसे मेहनती लोग इस बिजनेस में जरूर सफल हो पाएंगे। तो आपके बिजनेस की सफलता की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले किसी क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।